हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम कब होगी। तो इसका एग्जाम कब होगी ये अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है। जो आरटीआई के जवाब में रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो जवाब दिया है उसकी जो अभी भी आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम तय नहीं हो पाई कि ये कब तक हो सकती है, संभावना भी नहीं जताई गई है। वैसे रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि इसका जो है जो कंपनी जो वेंडर इसका एग्जाम लेगी, जो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसका सिलेक्शन अभी भी प्रोसेस में ही है। वैसे कुछ कंपनियों का शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है, अब उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है कि वो किस तरह से इसका एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि इसका जो पिछला जो एग्जाम था वो आरआरबी एंड एएलपी टेक्नीशियन तो बिल्कुल सही से निकला था, उसका फिर देखिए वो आरपीएफ एग्जाम भी सही से निकला था, फिर ग्रुप डी एग्जाम भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। लेकिन आपको जेई एग्जाम में, जेई के एग्जाम में बहुत बड़ी भारी गड़बड़ी की गई थी कंपनी के द्वारा, इसलिए उस कंपनी को हटा दिया गया था, पहले वाली कंपनी के को पहले हटा दिया गया था। अब दूसरी नई कंपनी आ रही है, उसका फाइनलाइजेशन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे भर्ती बोर्ड से ये सवाल पूछे थे कि कौन सी कंपनी आएगी, तो इसका जवाब रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये दिया है कि ये बिल्कुल गोपनीय रखा जाए कि अभी फिलहाल में कौन सी कंपनी की चल रही है सिलेक्शन, तो वो रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसके बारे में नहीं बताया। अब वो बताए पहले एग्जाम कौन होगी, एनटीपीसी होगी या फिर ग्रुप डी होगी, इसका भी अभी फाइनल रूप से नहीं पता चल पाया है कि पहले कौन सी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसकी चांसेस बिल्कुल 50-50% है। इसमें आपको दो कारण लेना चाहिए, एक तो है कि ग्रुप डी का जो फॉर्म का स्क्रूटनिंग है, फॉर्म का स्टेटस जो जारी कर दिया गया है कि कौन से स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे कौन से स्टूडेंट भाग नहीं लेंगे, इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि एनटीपीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, फॉर्म की स्क्रूटनिंग नहीं हुई। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी का जो कैंडिडेट है उसका एग्जाम लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इस हिसाब से ग्रुप डी हो सकता है पहले। लेकिन रेलवे में जो स्टाफ की जो भारी कमी है वो एनटीपीसी स्टाफ की भारी कमी है, इस हिसाब से पहले एनटीपीसी भी हो सकती है। तो अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पहले एनटीपीसी होगी फिर ग्रुप डी की होगी। लेकिन मैं आपको स्टूडेंट को बता दूँ कि दोनों एग्जाम का जो सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 100% बिल्कुल सेम ही है, इसलिए दोनों में से कोई भी एग्जाम पहले हो जाए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों भर रखा है तो आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कीजिए, ग्रुप डी ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, दोनों में से कोई भी होगा आप निकाल दीजिएगा। अब देखिए चेंज सिलेबस, इसका सिलेबस चेंज हुआ है क्या, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल है जो कि बता रहे हैं कि इसका सिलेबस चेंज हो गया है, इसका सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब के चैनल ऐसे जो कि बिल्कुल फेक वीडियो बनाते हैं और अपने व्यूज के लिए, और लोग इसमें भ्रमित होकर के फंस जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे चैनल को फॉलो करिए जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल सही न्यूज बताए, बिल्कुल सही जानकारी दे, और यही में एक चैनल है एवरीडे न्यू, तो इस चैनल को आप बिल्कुल फॉलो करिए, वहां से आपको 110% बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। अब देखिए बता रहे आपको इसका जो सिलेबस चेंज है, इसका सिलेबस बिल्कुल भी चेंज, जो आपके फॉर्म में है वही सिलेबस अभी भी है। इसका फॉर्म का स्टेटस एनटीपीसी का कब जारी होगा, तो अभी जैसे नया वेंडर चालू होगा तो इसकी फॉर्म का जो है स्टेटस फिर दोबारा जारी किया कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। फिर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, ग्रुप डी में जो आपको पता ही है कि ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्जाम होती है, इसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होती है, जबकि एनटीपीसी में ऐसी बात नहीं है, एनटीपीसी में इसका 3 एग्जाम होती है। और देखिए सबसे पहले तो CBT 1 होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, इसको PT टेस्ट बोल सकते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होगी। इसका देखिए CBT 2 एग्जाम होगी, इसमें ये आपका मेन एग्जाम है, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका बिल्कुल मेन एग्जाम है, इसमें से आपका मेरिट तैयार होती है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि जैसे ASM वगैरह के लिए, इसमें आपका साइको टेस्ट होता है, तो इसमें तीसरा एग्जाम CBT 3 साइको टेस्ट का आयोजन होगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें कि जैसे क्लर्क वगैरह या फिर टाइपिस्ट का, इसमें उसका टाइपिंग स्किल टेस्ट किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे जैसे TC का जो पोस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जाम, CBT 1 और CBT 2। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि NTPC एग्जाम आपका 3 एग्जाम होती है, इस तीनों एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड DV, इसके बाद होती है आपका मेडिकल, उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग मिल जाती है, फिर आपका थोड़े दिन का ट्रेनिंग होता है, फिर आपको पोस्ट पे भेज दी जाती है। ये रहा आपका कहाँ से मिलेगी सही जानकारी, आपको अगर RRB का जो बिल्कुल सही जानकारी है वो आपको मिलेगी RRB या www.rrbcdg.government.in, ये वेबसाइट है, ये है RRB चंडीगढ़ का वेबसाइट, चंडीगढ़ के तरफ से ये वेबसाइट का मतलब कि किया जाता है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड का जो न्यूज़ होता है वो बिल्कुल एक जगह पर मिलती है, RRBCDG.government.in।
चलिए ये रही बात आपके जानकारी की, अब मैं बता दूं आपके तैयारी के लिए क्या करें। तो मैं हूं अभिषेक और अभिषेक कोचिंग सर्विसेज को मैं चलाता हूं। मैंने बहुत सारे मास्टर नोट्स को लिखा है आपके तैयारी के लिए। अगर आप हमारे मास्टर नोट्स को लेकर के पढ़ते हैं तो आपके 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका बिल्कुल रिजल्ट हो जाए, क्योंकि हमारे नोट्स में से ही 90% तक क्वेश्चन आते हैं। अब तक 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने इसमें पिछले एग्जाम को पास किया था और मैं इसको 2016 से चला रहा हूँ, तो काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट का रिस्पांस है और वो नोट्स बिल्कुल आपके घर पे पहुँचती है। और अगर आप हमसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो आप आ जाइए इस एड्रेस पे और यहाँ पे आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ की सुविधा मिलेगी। फिर आप हमारे यहाँ पे 3 महीने की कन्फर्म तैयारी करके आप जाइएगा और आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप घर बैठे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करिए, जो कि आपके व्हाट्सएप पे ऐप के थ्रू आपके पास सभी वीडियो का मिलेगा आपको लिंक, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल कंफर्म उस पर तैयारी कर लीजिए। इसका सिलेबस और पैटर्न एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में आपका 100 नंबर क्वेश्चन होगा, 100 नंबर क्वेश्चन में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको 30 नंबर मैथ और 30 नंबर रीजनिंग यानी 60 नंबर इससे आएगा और आपका 30 नंबर जो है आपका, अब देखिए आपका उसका फिर देखिए साइंस आ गया उसमें आपको 30 नंबर होगा और 10 नंबर आपका होगा करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवार्डनेस। जीके बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इसमें से एक या दो क्वेश्चन ही पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता, इसलिए इसको मत पढ़िए। आपको मैथ रीजनिंग और साइंस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और देखिए आपको मैं बता दूँ इसके NTPC के लिए तो इसमें भी बस वही है 100 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बस 60 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग से पूछेगा और आपको जो 40 क्वेश्चन है बिल्कुल ग्रुप डी के जैसा ही पूछेगा। फिर देखिए आपका NTPC का CBT 2 एग्जाम जो है इसमें आपका 120 नंबर क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको देखिए 70 नंबर मैथ प्लस रीजनिंग से, 35 मैथ 35 रीजनिंग। इसमें आपको जो 50 क्वेश्चन बच जाता है इसमें आपको साइंस में से लगभग में 30 क्वेश्चन पूछेगा आपको, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको जीके 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएगा। जीके में से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, साइंस में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, 12 से 13 क्वेश्चन जो आपको स्पेशली फिजिक्स में ही पूछ देता है। तो इसलिए आप सही सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए, मैथ रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करिए, फिर आप एग्जाम को बिल्कुल निकाल पाएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग मास्टर नोट्स या फिर आप हमारे डायरेक्ट हॉस्टल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं, फिर हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपके सवालों का सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कुछ भी सवाल और एक्स्ट्रा बच गया तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर आप इस वीडियो में कमेंट करिए और लाइक कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ आप हमारा मास्टर नोट लेना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको एक या दो डेमो क्लास चाहिए तो वो भी हम आपको व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।